हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है, बॉयज़ 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है, इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट, कास्ट, स्टोरी, प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज़ 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे, तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में, तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूम में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में है, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जुई बेटखले नताशा के रूम में है, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूम में है, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में है। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए, तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है, जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की, तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म की संगीत की बात करते हैं, तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड, सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की, तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर UK चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर UK जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिसे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों, फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है, बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है, बॉयज़ 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है, इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म
के फैक्टकास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहेगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे, तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में, तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरथी ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में है, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की, तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर सन 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर सन 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर सन 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर सन 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू को, तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धैर्य और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है, बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह ही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो की मराठी फिल्म है बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहाँ से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्टकास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहेगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और
ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में है, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जूही बेडखले नताशा के रूप में है, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूप में है, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में है। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म की संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धैर्य और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह ही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और
ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में, तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य हैं, सुपंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री हैं, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में है, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूप में है, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूप में है, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में है। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है, जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की, तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की, तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगिया धैर्य और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है, बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और
ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य हैं, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री हैं, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में हैं, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूप में हैं, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में हैं, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में हैं, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेटखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू को तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और
ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूम में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में हैं, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जुई बेटखले नताशा के रूम में हैं, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूम में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाऊ के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और
ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में हैं, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर सन 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर सन 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म की संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिसे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के वे चले शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और
ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में, तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य हैं, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री हैं, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरथी ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में है, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जूही बेडखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है, जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की, तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर सन 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर सन 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं, गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर सन 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर सन 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू को, तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धैर्य और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है, बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो की मराठी फिल्म है, बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहाँ से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और
ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में, तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में है, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूप में है, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूप में है, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में है। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है, जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की, तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं, गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की, तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धैर्य और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है, बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह ही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और
ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में है, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूप में है, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूप में है, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में है। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू को तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धैर्य और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और
ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य हैं, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री हैं, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में हैं, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूप में हैं, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में हैं, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में हैं, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेटखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू को तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और
ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में हैं, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेटखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाऊ के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है। मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और
ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेरडे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में हैं, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म की संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिसे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के वे चले शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था।
बॉयज़ 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में, तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में हैं, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य हैं, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री हैं, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में हैं, रितिका सुरथी ग्रेस के रूप में हैं, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में हैं, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में हैं, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जूही बेडखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है, जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की, तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म की संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू को, तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धैर्य और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह ही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो की मराठी फिल्म है बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहाँ से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और हृषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे, तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम
वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में, तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में है, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूप में है, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूप में है, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में है। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है, जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की, तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं, गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की, तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धैर्य और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों, फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह ही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है, बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और हृषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDB की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे, तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में, तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है,
गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में हैं, रितिका श्रुति गैस ग्रेस के रूम में हैं, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में हैं, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में हैं, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूम में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूम में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है, जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर सन 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर सन 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे पार्थ भालेराव प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर सन 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर सन 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है, जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका श्रुष्टि की वापसी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहाँ से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और हृषकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंत शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में हैं, रितिका श्रुति गैस ग्रेस के रूम में हैं, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में हैं, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में हैं, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूम में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूम में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे
और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है, जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे, पार्थ भालेराव, प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड, सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू को तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है, जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सृष्टि की वापसी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और हृषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंत सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में है, रितिका सुरथी ग्रेस के रूम में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में हैं, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जुई बेटखले नताशा के रूम में हैं, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूम में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है, जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है।
संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे, पार्थ भालेराव, प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड, सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगियाधारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाऊ के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सरस्वती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और हृषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंत शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में है, रितिका सरस्वती ग्रेस के रूम में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में हैं, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जूही बेडखले नताशा के रूम में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूम में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल
स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की, तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे, पार्थ भालेराव, प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड, सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की, तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगियाधर और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सरस्वती की वापसी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिसे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों, फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है, बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट, स्टोरी, प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और हृषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDB की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे, तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में, तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंत शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सरस्वती ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में हैं, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए, तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है, जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की, तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे, पार्थ भालेराव, प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे
निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरुस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो की मराठी फिल्म है बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहाँ से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और हृषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्य सील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंत शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरुचि ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में हैं, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे पार्थ भालेराव प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे
निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म की संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड, सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सृष्टि की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहाँ से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और हृषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंत शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में है, रितिका सरोथी ग्रेस के रूम में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में है, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूम में है, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूम में है, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में है। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे पार्थ भालेराव प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे
निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगियाधर और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सृष्टि की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और हृषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंत शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में है, रितिका सरोथी ग्रेस के रूम में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में हैं, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जुई बेटखले नताशा के रूम में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूम में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे पार्थ भालेराव प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे
निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका श्रुष्टी की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और हृषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंत शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में है, रितिका श्रुष्टी ग्रेस के रूम में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में हैं, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जुई बेटखले नताशा के रूम में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूम में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे पार्थ भालेराव प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया।
गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर सन 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड, सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगियाधारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाऊ के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सरस्वती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है, बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट, स्टोरी, प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और हृषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंत शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में है, रितिका सरस्वती ग्रेस के रूम में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में हैं, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जूही बेडखले नताशा के रूम में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूम में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर सन 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर सन 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे पार्थ भालेराव प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर सन 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म की संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर सन 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड, सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म
आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगियाधर और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सरस्वती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिसे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है, बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहाँ से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के वे चले शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंत शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सरस्वती ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में है, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जूही बेडखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे पार्थ भालेराव प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत हृषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगियाधर और कबीर वापस आ गए हैं और इस
बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य, भालेराव और प्रतीक लाड, दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिसे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह ही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है, बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहाँ से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट, कास्ट, स्टोरी, प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में, तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंत शिंदे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूप में है, रितिका सुरथी ग्रेस के रूप में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूप में हैं, कुमार के रूप में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूप में हैं, रितुंजा शिंदे प्रोफेसर शेफाली के रूप में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की, तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत शिंदे, पार्थ भालेराव, प्रतीक लाड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं, गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लाड, सुमंत शिंदे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की, तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया, धैर्य और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत शिंदे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य, भालेराव और प्रतीक लाड, दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी
भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह ही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है, बॉयज फोर। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट, स्टोरी, प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज फोर एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज फोर को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज फोर को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में, तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूम में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में है, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जुई बेडखले नताशा के रूम में है, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूम में है, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में है। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज फेरे और एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज फोर की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा, कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की, तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज थ्री की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं, गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की, तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज फोर एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की
कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है, बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट, कास्ट, स्टोरी, प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूम में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में हैं, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जुई बेटखले नताशा के रूम में हैं, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूम में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज 4 एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती है। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू को तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। धुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाव के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है, बाकी की
कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की फिल्म जो कि मराठी फिल्म है, बॉयज 4। यह फिल्म आपको कहां से देखने को मिलने वाली है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस फिल्म के फैक्ट कास्ट, स्टोरी, प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहेगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। बिना देरी के हुए चले शुरू करते हैं। बॉयज 4 एक 2023 की भारतीय मराठी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित है और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित है। यह बॉयज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्माण एवरेस्ट इंटरटेनमेंट्स और सुप्रीम मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। बॉयज 4 को नाटकीय रूप से 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। बॉयज 4 को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की एक रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स की तरफ से इस फिल्म को 74% के लाइक भी दिए गए हैं। अगर बात करें कि आप यह फिल्म कहां से देख पाएंगे तो दोस्तों यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ का है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.20 करोड़ का है। बात करते हैं फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय के बारे में तो पार्थ भालेराव धुंगराज धुंगिया के रूप में है, धैर्यशील के रूप में प्रतीक लॉर्ड धैर्य है, सुमंद सिंधे के रूप में कबीर गायत्री है, गिरीश कुलकर्णी मदन के रूम में है, रितिका सुरथी गैस ग्रेस के रूम में है, अभिनय बेर्डे कुणाल के रूप में है, समीर धर्माधिकारी हैं, गौरव मोरे नारू के रूम में हैं, कुमार के रूम में निखिल बने हैं, जुई बेटखले नताशा के रूम में हैं, रितुंजा सिंधे प्रोफेसर शेफाली के रूम में हैं, ओम पाटिल हैं और अथर्व सुधा में हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बॉयज 4 एक कॉलेज परिसर की जीवंत पृष्ठभूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी करती है जो दर्शकों को इस युवा पात्रों के जीवन में आकांक्षाओं और पलायन में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बॉयज श्रृंखला लगातार अपने दर्शकों के बीच मनोरंजन और मूल्यवान जीवन संबंधी अंतर्विष्ट प्रदान करती है। यह किस्त मराठी सिनेमा के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो उद्योग की प्रचुर प्रतिभा और रचनात्मक को उजागर करती। संक्षेप में बात करें तो बॉयज 4 की स्टोरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री का सफर शुरू होगा कैसा शुरू होगा इसके बारे में दिखाया गया है। बात करें फिल्म के उत्पादन की तो इस फिल्म की घोषणा बॉयज 3 की सफलता पार्टी की में की गई थी। टीजर 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। सुमंत सिंधे पार्थ भालेराव प्रतीक लॉर्ड को बरकरार रखा गया है और अभिनय बोर्डे निखिल बने हैं। गौरव मोरे को नया जोड़ा गया है। इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो संगीत अवभूत गुप्ते द्वारा रचित है और गीत ऋषिकेश कोहली द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिल्म का शीर्षक गीत बॉयज रैप सॉन्ग 26 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे गुप्ते के साथ प्रतीक लॉर्ड सुमंत सिंधे और पार्थ भालेराव ने गाया था। द गांव सुताना गाना 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने हैं। बात करें फिल्म के रिव्यू की तो यह फिल्म आपके पैसों के लिए एक धमाकेदार कॉमेडी है जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरती है। दुंगिया धारे और कबीर वापस आ गए हैं और इस बार उनकी दोस्ती चरम पर है। कबीर यानी सुमंत सिंधे लड़कों की हरकतों से तंग आ चुका है और सारे बंधन तोड़कर यूके चला जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए धुंगिया और धैर्य भालेराव और प्रतीक लाड दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी नारू भाऊ के साथ छात्रवृत्ति पर यूके जाते हैं। फिल्म में एक अनुभवी कलाकार रितिका सुरस्ती की वापसी भी देखी जा सकती है क्योंकि उसकी दोस्ती मुश्किल दौर में है। फिल्म का कथानक जगह जगह छू जाता है, मुख्य रूप से प्रचुर परिहास और चुटकुलों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों पर बहुत अधिक भरोसा करने के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें प्रशंसक सेवा में बड़ी जीत मिलती है। बॉयज 4 एक अच्छी कॉमेडी है जिससे कोई दिखावा नहीं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, कॉमेडी है। बाकी की कहानी आपको यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि यही फिल्म आपके लिए बेटर है। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।